इवनिंग गाइस, आज हम बना रहे हैं लड्डू की रेसिपी। मतलब इसको सही मायने में बोलते हैं पंजाबी लड्डू। और इसके लिए आपको चाहिए एक छोटा टीस्पून नमक, तीन से चार स्पून खाने वाले चम्मच घी के, ये सब डालने के बाद आपको इसको अच्छे से हाथ से मिक्स करना है। तरीका वही है जैसे हम आम रूटीन से अपने घर में रोटी का आटा गूंथते हैं। फिर आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करें। पानी ऐसे ऐड करना है कि मतलब बिल्कुल आटा नरम ना हो, क्योंकि ये लड्डू बनाते हुए हमें इस बात का ख्याल रखना है कि इस पे हमने सूखा आटा नहीं लगाना। तो इसलिए आप इसको ज़्यादा ढीला ना करें, थोड़ा थोड़ा आप इसको मिक्स करके साइड पे करते जाएं। इसमें ये नमक और घी हमने इसलिए ऐड किया है, नमक से मतलब मीठे में हल्का सा नमक डालें तो मतलब एक अच्छा टेस्ट आता है। और आटा इसलिए कि जब आप बनाएंगे ये लड्डू तो ये आटा थोड़ा क्रिस्पी हो जाएगा आपका, तो ये बनने में अच्छा लगेगा और आपको ज़्यादा इसको मतलब फ्राई करना भी नहीं पड़ेगा। तो ये बात का ध्यान आप लाजमी रखें कि मतलब आटा ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, आटा आपका नॉर्मल होना चाहिए। हे गाइस, ये आटा मैंने जैसे कि गूंद लिया है, इसमें मैंने हल्का सा ऑयल करके इसको रखा है। अब मैंने सूजी भूनने के लिए कढ़ाई में डाली है। सूजी तकरीबन हमारी आधा किलो है और आधा पाव से थोड़ी ऊपर चीनी है, आधा पाव के करीब नमक है और ये थोड़ा खोपरा, किशमिश, इलायची है। तो हम ये सब इसमें ऐड करेंगे, जैसे जैसे ऐड करेंगे मैं आपको बताती हूँ। ये सूजी भून के इसका कलर मतलब थोड़ा ब्राउन, लाइट ब्राउन हमने करना है, उससे ये है कि थोड़ी टेस्ट में भी अच्छी लगती है और खुशबू भी इसकी चेंज हो जाती है। और पहले आप आंच थोड़ी तेज रखें क्योंकि कढ़ाई हमारी बिल्कुल ठंडी थी। देख सकते हैं सूजी का कलर आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है, मतलब बिल्कुल लाइट ब्राउन करनी है, ज़्यादा नहीं करनी क्योंकि ये एकदम से जलने लग जाती है तो ज़्यादा पकाने से ये जल जाएगी। जैसे कि मेरी कढ़ाई थोड़ी पतली है तो इसमें अमूमन जलने के ज़्यादा चांसेस है, तो इसलिए आप थोड़ा स्लो चूल्हा कर दें। अब आहिस्ता आहिस्ता हम ये सारी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। पहले हम करेंगे ड्राई फ्रूट, जैसे कि जो हमने खोपरा, किशमिश और इलायची, थोड़ी सी इलायची के अंदर जो बीज होते हैं, छोटी इलायची जैसे वो जो मीठे में इस्तेमाल होती है, वो इलायची हमने ली है इसमें। इलायची है हमारी तकरीबन 4 से 5 और इसकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। अक्सर ऐसे होता है किसी के घर पे भी ये चीज़ सूजी वगैरह बन रही होती है तो एक दो घर में इसकी स्मेल जाती है, तो अभी जैसे कि मैं कर रही हूँ तो मेरे घर से भी किसी के घर पे इसकी खुशबू जा ही रही होगी।
मुसलसल इसको हिला मैं इसलिए रही हूँ, तोड़ इसलिए नहीं रही, ये नीचे से जल जाएगा। कढ़ाई काफी बड़ी है, आप चाहें तो आप एक छोटी कढ़ाई भी या मतलब किसी और बर्तन में भी ये कर सकते हैं, लेकिन कढ़ाई में ये तो थोड़ा इजी था तो मैंने इसलिए कढ़ाई नहीं करना पसंद किया। इसकी आंच दोबारा से थोड़ी तेज करूंगी। अक्सर घर पे बनाती हूँ लेकिन काफी देर से मैंने ये नहीं बनाया, तो मेरी दादी सास को मेरे हाथ के ये लड्डू बहुत पसंद है। हम इसमें ऐड करेंगे घी, जैसे कि मैंने आपको बताया था आधा पाव घी है, आधा पाव से थोड़ा ऊपर ही है, और आप हंसते जाएगा मतलब अपने अंदाजे से जितना भी डालें, लेकिन मैं इतना घी डाल दूँगा। हमारी सूजी का कलर थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो गया सकते हैं। आज मेरी पहली वीडियो थी तो मैंने सोचा मैं कुछ मीठे से ही शुरुआत करूं। हम इसमें ऐड करेंगे घी, घी के बाद हम इसमें ऐड करेंगे खोपरा, किशमिश और इलायची, चीनी ऐड करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था मैंने आधा पाव चीनी ली है। इसको थोड़ा सा पकाने के बाद हम चूल्हा बंद करेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे।
बनाते हैं तो मैं ये अलग से भी बना के घर पे थोड़ी भून के ऐसे ही रख देती हूँ कि वो पक जाए तो खाने के लिए। तो जैसे कि हमारी ये सूजी तैयार है, अब हम इसको रखेंगे ठंडा होने के लिए थोड़ी देर। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था मैं सूजी बना रही थी, अब सूजी हमारी रेडी है और आटे के मैंने छोटे छोटे मतलब पेड़े कर दिए, छोटी छोटी गोले बना दिए। अब हम इसको बेलेंगे, रोटी बनाएंगे इसकी। आप देख सकते हैं जैसे कि आटा मुझे थोड़ा और सख्त रखना था लेकिन आटा थोड़ा मुझसे नरम हो गया है, तो आप इस बात को ध्यान में ज़रूर रखें। आप इस आटे में ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं, वो खाने में अच्छी स्मेल आती है ज़ीरे की। जैसे कि तेल हमने चढ़ा दिया, तेल मैंने आधा किलो लिया है, कढ़ाई में तेल है आधा किलो मैंने गर्म होने के लिए रखा है। और अब हम इसमें डालेंगे सूजी जो कि हमने तैयार करके रखी है। दो से ढाई चम्मच, मतलब आप सूजी इतनी डालें कि जो आपका लड्डू बनते हुए ख़राब ना हो। आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि इसके किनारे अच्छे से पैक हों। ये बनाने के और भी बहुत से तरीके हैं इसको बंद करने के, लेकिन हम ये एक फोक से बंद करेंगे। ये तरीका भी आपका बेस्ट है और दूसरा ये जल्दी से हो जाता है। मैंने ये अपनी मम्मी से सीखा है, मेरी मम्मी ऐसे लड्डू बनाती थी शुरू से घर पे, लेकिन मैंने कभी बनाए नहीं थे, हमेशा उन्हें देखा था। अब जैसे कि हमारा ये एक लड्डू तैयार हुआ है तो हम इसे अलग से एक साइड पे रखते हैं, हम एक अपना दूसरा लड्डू तैयार करेंगे जब तक हमारा तेल गर्म हो जाएगा, जैसे कि हमने जो चूल्हे पर रखा हुआ है आप देख सकते हैं। तो हम एक और लड्डू साथ में तैयार करेंगे। तब अपनी रोटी आप ऐसी रखें कि जो बनाते टाइम आपकी रोटी ख़राब ना हो। आप जैसे कि ये डालें तो आटा बीच में से खुल जाता है रोटी। मैंने 2 चम्मच सूजी डाली है, अब मैं इसको बंद करूँगी। देखें आप, मेरी अम्मी से हाथ से ऐसे करके फोल्ड करके बंद करती थी, वो ज़्यादा अच्छा लगता था, जैसे फ्लावर बन जाता था। तो मैं टाइम को मद्देनजर रखते हुए ऐसे ही कर रही हूँ और ये अच्छा तरीका ऐसे भी बंद हो जाता है। तो आप देख सकते हैं मेरा एक और लड्डू तैयार है। अब मैं इसको तेल में डालूँगी, जैसे कि हमारा तेल गर्म हो चुका है, देख सकते हैं। चम्मच से चम्मच की मदद से इसको थोड़ा सा हिलाया है, आप देख सकते हैं।
पहले मैं जब भी किसी को ऐसा कुछ करते हुए देखती थी तो मैं जब खुद नहीं करती थी तो मैं सोचती थी ये बहुत मुश्किल है, लेकिन कोई भी काम मुश्किल नहीं है, सिर्फ आप करना चाहें। तो मैं आँच ऑयल की थोड़ी लो करती हूँ क्योंकि हमारा ऑयल काफ़ी गर्म हो चुका है। जैसे कि मैंने एक पेपर रखा और अब मैं देखती हूँ दूसरी तरफ का कलर। इसका कलर ज़्यादा ब्राउन नहीं, लाइट ब्राउन ही रखना है, जैसे कि आप देख सकते हैं। चिमटा लिया उसकी मदद से थोड़ा, देखते हैं आप इसका कलर थोड़ा चेंज हो चुका है। इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है, मैं इसको निकाल दूंगी। ऑयल का काम है तो सर आप देख के ये काम करें। अभी तैयार देख सकते हैं, ये आँच और थोड़ी कम, आप भी हल्की आँच पे बनाए ताकि लड्डू अंदर से भी सही से हो जाए। इसका कलर कितनी अच्छी तरह से ब्राउन हो गया, लाइट ब्राउन। आप इसको ज्यादा ब्राउन भी कर सकते हैं लेकिन वो टेस्ट में अच्छा नहीं लगता। मुझे लाइट ब्राउन अच्छा लगता है तो मैं इसलिए लाइट ब्राउन ही करती हूँ। मैं कितना अच्छा लड्डू तैयार हो गया देख सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ ये लड्डू हमारा इतना अच्छा, अंदर से सॉफ्ट है बिल्कुल और ऊपर से पका हुआ है। ये देखिए खाने में भी बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि आटे में हमने नमक डाला था। तो ये मेरी रेसिपी है आज की गाइस, आप भी अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें, अपने बच्चों के लिए। घर में आप ये स्टोर करके भी रख सकते हैं तकरीबन एक हफ्ते से 15 दिन तक, तो ये अच्छे लगते हैं। आप शाम में चाय के साथ सुबह नाश्ते में भी खा सकते हैं। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर देखें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारे कमेंट्स करें मुझे, और मुझे बताएं कि ये मैंने कैसे बनाए हैं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और भी कुछ अच्छा करूं। थैंक्स फॉर यू।